नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की कुछ खास खबरों के साथ। 2 अक्टूबर को भिन्न भिन्न स्थानों पर गांधी जयंती मनाई गई, तो वहीं दूसरी तरफ भारत को सोने की चिड़िया बनाने का संकल्प लेने वाले संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में भारत एक नए आयाम की ओर बढ़ रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के विचारों से प्रभावित होकर 2 अक्टूबर को पूरे उत्तर प्रदेश के 70 जिलों में रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें 1,616 लोगों ने रक्तदान किया तथा सत्संग सुनकर सैकड़ों लोगों ने संत जी से नाम दीक्षा प्राप्त की। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में समाज हित में चलाई जा रही नशा मुक्त तथा दहेज मुक्त भारत बनाने की इस मुहिम के साथ साथ ही संत जी के अनुयायियों द्वारा समाज हित में पूरे उत्तर प्रदेश में विशाल रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया और इस विशाल रक्तदान शिविर की तारीफ हर शख्स की जुबान पर है। इस रक्तदान शिविर की सबसे खास बात ये थी कि कोई भी रक्तदाता अपने जीवन में किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करता। झारखंड में 4 अक्टूबर से खुलेंगे 6 से 8वीं तक के स्कूल, 4 घंटे से अधिक समय तक संचालित नहीं होंगी ऑफलाइन क्लास। नितिन वर्मा नामक एक शख्स ने 126 फर्जी फॉर्म और 700 करोड़ के कारोबार के साथ की 100 करोड़ की टैक्स चोरी। CGST टीम की कार्रवाई में फर्जीवाड़े का हुआ खुलासा। रेड के बाद शिवसेना नेता आनंद राव वर्सूल को पूछताछ के लिए ले जा रही थी ईडी, रास्ते में अचानक से तबीयत खराब होने के चलते नेता को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। 8 साल पुराने कोयला चोरी मामले में CBI ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, इन्हें आसनसोल में CBI की विशेष अदालत में किया जाएगा पेश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अनुदान पाना शिक्षा संस्थानों का मौलिक अधिकार नहीं, अल्पसंख्यक व बहुसंख्यक में न करे भेद। यूपी के मनीष गुप्ता केस की अब होगी CBI जांच, परिवार को मिलेगी 40 लाख की आर्थिक मदद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया ऐलान। गोगी शूटआउट मामले में 2 व्यक्तियों को किया गया गिरफ्तार, केस के चलते पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने रोहिणी कोर्ट का किया दौरा। मेघालय में MTC बस के रिंगी नदी में गिरने से 6 लोगों की हो गई मौत, वहीं दर्जनों से अधिक लोग बुरी तरह से हो गए घायल। भारत बंद के बीच सिंगू बॉर्डर पर एक किसान की हुई मौत, पुलिस बोली दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत। जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और हरियाणा के अलग अलग जिलों में 8 अंतर जातीय दहेज रहित विवाह हुए सम्पन्न। इन अनोखे विवाहों में किसी भी प्रकार का दहेज ना तो लिया गया और ना ही दिया गया। ग्वालियर में एक सौतेली माँ ने 10 साल के बेटे को दे दिया जहर, बीमा क्लेम के 16 लाख और FD के 2 लाख रुपयों में हिस्सा नहीं मिलने पर सौतेली माँ ने मासूम का कर दिया कत्ल। अफगानिस्तान में हेलमंद प्रांत के लोगों के दाढ़ी बनवाने पर लगाया गया बैन, साथ ही सैलून में गाने बजाने पर भी लगाई गई पाबंदी। उरी में पकड़ा गया 19 साल का आतंकी बाबर, पैसों के लालच में ज्वाइन की थी लश्कर ए तैयबा। नोएडा में ANM की मदद से लोगों को 225 रुपयों में चोरी हुई वैक्सीन लगाने वाले 2 शख्सों को किया गिरफ्तार। दिल्ली दंगे में लापरवाह रवैये के दोषी पुलिसकर्मी को मिली सजा, अदालत ने दिए वेतन से 5,000 रुपए काटने के आदेश। अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक उड़ाने अब 31 अक्टूबर तक रहेंगी निलंबित, DGCA ने लिया फैसला। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में छाया भारी बारिश व बाढ़ का कहर, अब तक हो चुकी है 11 लोगों की मौत, वहीं नासिक में गोदावरी नदी खतरे के निशान से ऊपर उठी। मुंबई में पानी से भरे पुल को पार करते समय बह गई एक बस, हादसे में एक शख्स की हो गई मौत। महाराष्ट्र सरकार ने सुनाया बड़ा फैसला, अब क्लास ए व बी कर्मचारियों के मृतक आश्रितों को भी मिलेगी सरकारी नौकरी। नशे में धुत व्यक्ति ने सांप से मरवाया डंक, जीभ में और पूरे शरीर में जहर फैलने से हुई मौत। चंबा के संधवार गांव की ये घटना सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल। 25 साल की कन्नड़ एक्ट्रेस सौजन्या ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में अपने पेरेंट्स से मांगी माफी। बांग्लादेश के एक रेफ्यूजी कैंप में चरमपंथियों ने रोहिंग्या नेता मोहिबुल्लाह की गोली मारकर की हत्या। पाकिस्तान में बेरोजगारी आई चरम सीमा पर, चपरासी की नौकरी के लिए 15 लाख लोगों ने अप्लाई किया, इसमें MPhil करने वाले लोग भी हैं शामिल। दिल्ली के बाद अब राजस्थान और उड़ीसा सरकार ने भी पटाखों पर लगाई रोक। विदेशी कोरोना वैक्सीन पर सरकार ने उठाया बड़ा कदम, 31 दिसंबर तक कस्टम ड्यूटी में दी छूट। कोंगो में मदद करने गए WHO के 21 कर्मचारियों ने नाबालिग लड़कियों और महिलाओं से किया रेप, एक स्वतंत्र कमेटी की जांच में इस खौफनाक हकीकत का हुआ खुलासा। मुंबई के KEM हॉस्पिटल के 129 मेडिकल स्टूडेंट्स हुए कोरोना पॉजिटिव, इनमें से 27 को लग चुकी थी वैक्सीन की दोनों डोज। देश की सैन्य संस्थानों में प्रशिक्षण ले रहे अफगानी छात्रों को सरकार देगी 6 महीनों के लिए ई वीजा, केंद्र सरकार ने किया ऐलान। ईडी ने चीनी नागरिक के स्वामित्व वाली कंपनी के 131 करोड़ रुपए की जब्त, कंपनी के एप्स के जरिए ग्राहक के व्यक्तिगत डेटा का अवैध रूप से हो रहा था उपयोग।
अमेरिका के ब्रुकलिन में टशन दिखाने के चलते एक 16 साल के लड़के ने अपने ही दोस्त को मारी गोली। मिजोरम में 4 नशा तस्करों को किया गया गिरफ्तार, साथ ही 4.2 लाख रुपए की हीरोइन भी की गई जब्त। सिक्किम में एक बार फिर से कांपी धरती, रिक्टर स्केल पर 4.3 आंकी गई भूकंप की तीव्रता। थाने में एक व्यक्ति को कोविड वैक्सीन की जगह एंटी रैबिस का लगाया गया इंजेक्शन, मामले में एक डॉक्टर और नर्स को किया गया सस्पेंड। फ्रांस में इस्लामी कट्टरपंथियों पर कसा जा रहा है शिकंजा, देश में 6 मस्जिदों और संदिग्ध संगठनों को बंद करने की कार्रवाई हो गई है शुरू। बेंगलुरु के एक स्कूल में 60 छात्र एक साथ पाए गए कोविड पॉजिटिव, प्रशासन ने 20 अक्टूबर तक स्कूल बंद करने का लिया फैसला। तमिलनाडु की पूर्व मंत्री और इंदिरा कुमारी और उनके पति को सरकारी धन की हेराफेरी के मामले में कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा। निपाह वायरस का चमगादड़ों में से उत्पन्न होने का जताया जा रहा है अंदेशा, अब तक चमगादड़ों की 2 प्रजातियों में पाए गए हैं एंटीबॉडीज। असम के डिब्रूगढ़ में संदिग्ध मानव बलि मामले में 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार। 5 अक्टूबर को पूरे नेपाल देश में संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों द्वारा नेपाल में होने वाली निर्दोष पशुओं की बलि के विरोध में विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लाखों लोग शामिल होकर पशु बलि का विरोध करेंगे और साथ ही सरकार को ज्ञापन देकर बेजुबानों की इस तरीके से निर्माम हत्याओं पर रोक लगाने की भी अपील करेंगे। इस पूरे प्रोग्राम का प्रसारण आप 5 अक्टूबर को SA News चैनल पर लाइव देख सकते हैं।